सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम जिस ऐप के बारे में आपको बताने वाले हैं, उस एप्लीकेशन के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों ये एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद आपको बेल का आइकन दिखाई देगा, तो प्लीज बेल का आइकन को भी दबा देना। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाली कमाल की ऐप के बारे में, उस ऐप के क्या फायदे हों, किस तरीके से आप उस ऐप को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उस ऐप को डाउनलोड करनी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब दोस्तों आप यहाँ से कोई भी मूवी, म्यूजिक, ऑडियो, इमेज, GIF, बुक डॉक, सॉफ्टवेयर ऐप, जो भी आप चाहे उस सॉफ्टवेयर को, मूवी को यहाँ से बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे, अब मान लीजिए आपको कोई भी एक मूवी डाउनलोड करनी है, उसको आप ऑनलाइन ही प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप टाइप कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं एक मूवी का नाम डाल देता हूँ। अब मूवी का नाम डालने के बाद आप नीचे सेलेक्ट कीजिए कि आप वीडियो या म्यूजिक क्या यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं वीडियो ले लेता हूँ। अब वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च का आइकन आपको सामने मिलेगा, तो वहाँ पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो लिंक मिलेगा एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी में आपको ये मूवी मिल जाएगी। आप किसी भी क्वालिटी को यहाँ सेलेक्ट कीजिए, चाहे तो आप उस मूवी को डाउनलोड कीजिए या ऑनलाइन MX प्लेयर के अंदर कीजिए, जो मन आपका चाहे आप उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऊपर मिलेगा सेव फाइल, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये मूवी आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको अलग अलग साइज में और अलग अलग क्वालिटी में मिलेगी। तो चलिए अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट ही मूवी को प्ले करना चाहते हैं MX प्लेयर के अंदर, तो दोबारा से आप क्लिक कीजिए, नीचे आपको मिल जाएगा ओपन फाइल। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये मूवी आपकी MX प्लेयर के अंदर प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना होगा। जैसे आप वेट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ये मूवी आपकी MX प्लेयर के अंदर प्ले हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ सेकंड का वेट कर लेता हूँ। अब देखें दोस्तों हमारी ये मूवी हमारे MX प्लेयर के अंदर प्ले हो चुकी है। तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ईजी है। और दोस्तों आपको ये कमेंट जरूर करना है कि आपको ये ऐप कैसा लगा। अगर आपको ऐप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए कि आपको ये ऐप कैसा लगा। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी मूवी को ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी में आपको यहाँ पर मूवी मिल जाएगी। दोस्तों छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करना। तो फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।